वीर सावरकर, जिन्हें देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े देशभक्त और महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक मानती है, तो वहीं दूसरी सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस उनको देशभक्त मानने से भी इनकार करती है, बल्कि उन्हें माफी वीर के नाम से संबोधित करती है। इस पूरे वीडियो में हम लोग इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वीर सावरकर को लेके पूरा देश दो भागों में क्यों बटा हुआ है। एक पक्ष उनको माफी वीर और दूसरा पक्ष उनको देशभक्त बताने में जुटा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने आगे चलकर वीर सावरकर के नाम की प्रसिद्धि पाई, उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ था। सावरकर के पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था और उनकी माता का नाम राधाबाई था। सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर भी एक क्रांतिकारी थे, जिनका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव था। महज 9 साल की उम्र में अपनी माँ के निधन के बाद उन्होंने अपने जीवन को अपने देश के नाम करने का संकल्प लिया। सावरकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव भागुर से ही प्राप्त की। उन्होंने अपनी पहली कविता महज 11 साल की उम्र में लिखी, जिसमें उन्होंने भारत के गौरव और स्वतंत्रता के बारे में अपने भावनाएं व्यक्त की। सावरकर ने अपनी माध्यमिक शिक्षा नासिक से प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिए वो पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया। फर्ग्यूसन कॉलेज में रहकर सावरकर ने मित्र मेला नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को मजबूत बनाया, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में जाना गया। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, तब वीर सावरकर ने अपने कॉलेज में अंग्रेजी वस्तुओं को जलाकर अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया और इसकी वजह से उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। सावरकर की राष्ट्रभक्ति और क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर सामजी कृष्ण वर्मा ने, जो उस समय लंदन में रहते थे और वहां इंडिया हाउस नामक क्रांतिकारी संगठन का संचालन करते थे, उन्होंने सावरकर को लंदन आने के लिए निमंत्रण दिया और उनके लिए शिवाजी स्कॉलरशिप का प्रबंध किया। ये स्कॉलरशिप उन क्रांतिकारी युवाओं के लिए थी जो देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाले जाने के बाद 1906 में सावरकर ने लंदन के ग्रेज इन कॉलेज में बैरिस्टर बनने के लिए दाखिला लिया। लंदन में रहकर सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया। 1909 में सावरकर की प्रेरणा से ही मदन लाल धिंगरा ने करजन विली की हत्या कर दी। 1909 में उनकी लिखी हुई किताब द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया। उस किताब में 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध बताया गया और सावरकर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था। ब्रिटिश सरकार को सावरकर के क्रांतिकारी संगठन और उनके विचार से ये डर लगने लगा कि वो भारत में बगावत का एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सके। उन्हें अपने लिए एक बड़ा संकट समझकर गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। 1910 में उन पे केस चलाकर 2 बार आजीवन काला पानी की सजा सुनाई गई और इसके बाद उन्हें अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था, जहां पर उन्होंने 10 साल तक कठोर कारावास झेला। उन्हें जंजीरों में बांध कर अकेले एक अंधेरी कोठरी में रखा जाता था। उनकी देश के प्रति निष्ठा इतनी प्रबल थी कि जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने जेल की दीवारों पर अपने एक एक शब्द उकेर दिया। सावरकर का माफीनामा सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल है। वीर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को कुल 5 बार माफी पत्र लिखा था और इस पत्र को लेके कई प्रश्न खड़े किए गए हैं और पूछा गया है कि क्या सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के सामने समर्पण कर दिया था। सावरकर के समर्थकों का कहना है कि ये कोई माफी नहीं बल्कि ये एक चतुराई भरा उपाय था, जिससे वो अपने साथियों की जान बचाकर दोबारा भारत माता की सेवा में जुड़ना चाहते थे। मतलब अगर आप भारत की स्वतंत्रता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जेल से बाहर आना होगा, तो बस जेल से छूटने के लिए
उन्होंने ये बस माफी पत्र लिखे थे। फिर आगे चलकर 1921 में सावरकर को अंडमान से रिहा किया गया और उन्हें रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में नजरबंद रखा गया। फिर उन्होंने रत्नागिरी में ही पतित पावन मंदिर बनवाया जिसमें सभी वर्गों के लोगों को प्रवेश की अनुमति थी। ये मंदिर उनके एक हिंदू एक राष्ट्र के विचार का प्रतीक था। यहीं पर उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं जिसमें से हिंदुत्व हु इज ए हिंदू सबसे प्रमुख थी। उन्होंने देश को एक मजबूत हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखा, लेकिन उनके विचारों को उस वक्त पूरी तरह से समर्थन नहीं मिला। वीर सावरकर ने हिंदुत्व शब्द को एक समग्र राष्ट्रीय पहचान के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व केवल धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है जो भारत की परंपराओं से जुड़ी हुई है। उनका कहना था कि हिंदू का अर्थ वो सभी लोग हैं जो भारत को अपनी मातृभूमि, पुण्य भूमि और कर्मभूमि मानते हैं। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। इस घटना के तुरंत बाद ही वीर सावरकर का नाम इस हत्या में आगे आया। चूंकि गोडसे वीर सावरकर के विचारों से प्रभावित थे और उनके वीर सावरकर से अच्छे संबंध थे, इसीलिए वीर सावरकर पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस हत्या की साजिश रची है। लेकिन जब अदालत में सबूतों को प्रस्तुत किया गया तो पता चला कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो सावरकर को सीधे गांधी जी की हत्या से जोड़ पाए। सावरकर ने अपने अंतिम दिनों में लिखा था, मैं जीवित रहने की इच्छा से मुक्त हो चुका हूँ। देश ने जो देना था वो दिया, अब मुझे अपने जीवन का अंतिम अध्याय लिखना है। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और अपने शरीर को स्वयं ही त्यागने का संकल्प किया। 26 जनवरी 1966 को वीर सावरकर ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति के विचार और उसके जीवन के निर्णय को हमें उस समय के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में जो भी कदम उठाए उनका मूल्यांकन करना आसान नहीं है। आप वीर सावरकर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।